अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुन लिया राधिका, यही है तुम्हारे रिश्ते का सच। मजबूरी की शादी की है तुम दोनों की, और आखिरी वक्त पे मैं अपने काम से विदेश नहीं गई होती तो आज दिव्या मेरा पति होता। मैं होती मिसेस दिव्या बंसल, ना कि तुम। दिव्यम सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वो तो तुम मजबूरी में उसके गले पड़ गई। और वो तुम्हारे साथ एक पलंग पर इसलिए नहीं सोता क्योंकि जगह नहीं, बल्कि इसलिए नहीं सोता क्योंकि दिव्यम के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है राधिका। सिंदूर का बड़ा गुमान है ना तुम्हें, अब इस मजबूरी के सिंदूर को अपने मांग में रखो। तुम दिव्यम का प्यार नहीं, बोझ हो राधिका, फर्ज हो जो उसे मजबूरी में निभाना पड़ रहा है। मैं अपनी मजबूरी में ऐसा फंसा कि मुझे उस राधिका से शादी करनी पड़ गई। जानती हूँ आदु, तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। तुम सदमे में ना चली जाओ इसीलिए होश में रहो। याद रखना राधिका, दिव्यम नाम से भले ही तुम्हारा पति है लेकिन दिल से वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। तुम्हारी जिद और तुम्हारी बचपन की वजह से पापा बीच में इस वक्त। बस एक बार राधिका से मिल लो, फिर तो उसे मना ही लूंगा। जितनी बार सॉरी बोलना पड़े बोलूंगा, लेकिन बस एक बार मिल तो जाए वो मुझे, फिर तो उसे घर लेकर ही जाऊंगा। मैं अपनी मजबूरी में ऐसा फंसा कि मुझे उस राधिका से शादी करनी पड़ गई। हर पल था जो हंसाता वो रुला के गया, वादा किया था जो भी सब भुला के गया। ये फूल मैंने सेक्रेटरी ने भेजा सजना। और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। कितना अच्छा होता मिले ही ना होते, टूटता ना दिल। अपने कपड़े मेरी अलमीरा में क्यों रख रही हो? कितना अच्छा होता मिले ही न होते, टूटता न दिल हम न रोते।
भूल गए क्या? ये हमारी बहन और सबसे पक्की दोस्त है, काया। ये कैसी मोहब्बत वफा थी, पहले जो इसको समझ पाते। क्यों दिव्यन जी, इतनी बड़ी बात आपने हमसे क्यों छुपाई? आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप हमसे नहीं काया से प्यार करते हैं? क्यों दिव्यन जी, क्यों? क्या हुआ, तुम यहाँ पर ऐसे बीच सड़क पर बैठकर रो क्यों रही हो? दिव्यम जी, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या आप उसका सच सच जवाब हमें देंगे? दिव्यम जी, सच भले ही कितना भी कड़वा हो, लेकिन हमें आज सच जानना है। आप बात घुमाइएगा मत। तुमको जो कुछ भी पूछना है पूछो राधिका, मैं सच ही बताऊंगा। क्या आप हमसे प्यार करते हैं? ये सवाल राधिका तुम मुझसे नहीं अपने दिल से पूछो। कैसे जवाब मांगे दिव्यम जी, जब इस रिश्ते के बारे में हमारी सोच, हमारा विश्वास सब खोखला है। ओ, राधिका ठीक हो? मैंने कुछ गलत ना किया उसके साथ? अच्छा हुआ देवर जी आप आ गए। आपने देवरानी जी को देखा क्या? एक मिनट, राधिका और काया तो तुम्हारे साथ थे ना गली? हाँ देवर जी थे तो सही, पर हम गोलू जी से बात करने चले गए थे, उन्हें बोलना था कि हमारे लिए गाड़ी भेज दे, पर हमने वापस आकर देखा तो यहाँ पर ना देवरानी जी थी और ना उनकी बहन काया। राधिका के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो? नहीं देवर जी, आप कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचिए। हो सकता है ना कि देवरानी जी अपने घर वापस चली गई हो सकता है। एक काम करता हूँ, मैं राधिका से मिलकर आता हूँ, तुम चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता रास्ते। नहीं नहीं देवर जी, उसकी जरूरत नहीं है, गोलू जी ने गाड़ी भिजवाई है, बस आती होगी। आप पहले जाके देवरानी जी से मिलिए। पक्का? जी ठीक है, तुम संभल कर जाना। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।